नमस्कार। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों के लिए जानी जाती है। उन्हीं में से एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, जहाँ 30 अप्रैल को भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। देखिए सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, जिसका मूल उद्देश्य पेशेवर वानिकों को ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनमें देश के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन की सक्षमता विकसित करने में सहायता करना है। यह अकादमी देहरादून शहर में स्थित वन अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थित है। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए स्टाफ कॉलेज के रूप में कार्य कर रही है। इसी क्रम में दिनांक 30 अप्रैल 2019 को वर्ष 2017 से वर्ष 2019 पाठ्यक्रम के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत गृह में किया गया। इस अवसर पर श्रीमती बेबी रानी मौर्य, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। श्री सिद्धांत दास, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एवं श्री सैबल दास गुप्ता, अपर वन महानिदेशक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिणामों की घोषणा की गई तथा मुख्य अतिथि द्वारा डिप्लोमा एवं उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले परीवीक्षार्थियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि श्रीमती बेबी रानी मौर्य, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, ने अपने दीक्षांत संबोधन में प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी सफलता की बधाई दी और कहा कि युवा पेशेवर होने के नाते उनको यह ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय देश की पर्यावरण नींव पर और वनारक्षित लोगों के जीवन पर दीर्घकालिक असर डालने वाले हों। आज आप देख ही रहे हैं किस तरह पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, किस तरह हमारे जल स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, कृषि खेती कम होती जा रही है, जीव जंतु जो हमारे वन्य जीव हैं वो भी उससे बहुत प्रताड़ित हैं और जब उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता तो वो बाहर आते हैं और मानव पर भी हमला बोलते हैं। इसलिए अब मेरे युवा अधिकारियों, मैं आपसे ये अपेक्षा ज़रूर करूँगी कि आप बहुत संवेदनशील हो के, बहुत मानवता के आधार पर सोच के, केवल अधिकारी के रूप में नहीं, एक मानवता के आधार पर संवेदनशील हो के उन समस्याओं का भी समाधान करें जो गांव में रहते हैं हमारे बहन भाई, हमारे बंधु और हमारे जो वन्य जीव हैं उनकी भी आप रक्षा करने में मदद करेंगे। भारतीय वन सेवा में शामिल हुए नए IFS प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस अकादमी में मिला ज्ञान उनमें देश के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन की सक्षमता विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। I feel very privileged to be here and this IFS training has really been an opportunity for me to learn about the forest and from the past also we India and Bhutan has been very good in terms of forest management and it was a privilege to be selected in IFS and come here as a training and I have my another friend with me, two of us from forest, so and this forest training when we go back it will be very useful to us in terms of management and also we will be working around the border areas, so that border conflicts in management, so this will take further from here the collaborations and working together and conservation of environment at the whole thing. आज अच्छा लग रहा है, इस कन्वोकेशन में मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है, दूसरा प्राइज़ भी मिल रहा है, तो
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरे डेढ़ साल के ट्रेनिंग के दौरान कंटिन्यूसली फ्रॉम द डे वन हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एग्जाम्स, फिर टूर्स और एक्सरसाइजेस, उसका असेसमेंट होता है, और ये इसके दौरान ये उसका ये सब सफलता है, उसका ये फल है। और मेहनत तो थी मगर एंजॉयमेंट भी बहुत थी, सीखने को भी बहुत मिला नई चीज़ें, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। एक ओर जहाँ उत्तराखंड भारतीय वन सेवा अधिकारियों को तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में जारी ऑल वेदर रोड के कार्य से पर्यटक खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वर्ष 2017 के दिसंबर में ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ किया गया था। 12,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को सिर्फ चार धामों से जोड़ने वाली सड़क के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि पर्यटन के साथ कृषि और लघु उद्योग को भी बढ़ावा देने वाली कहा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बन रही इस ऑल वेदर रोड को चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। जहां जहां भी ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां सड़क के किनारे भूसंकलन से बचने के लिए सभी स्थानों पर पहाड़ों को पर्यावरण अनुकूल सुदृढ़ किया जा रहा है। पूरे यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे और बस व ट्रक के लिए 154 ले बाय व बस स्टैंड बनाए जाएंगे। आज जब यह परियोजना पूरे उत्तराखंड की सड़कों में उतरती दिखाई दे रही है, तब जानते हैं यहां से गुजरने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। पहले से रोड मतलब कष्ट तो है, हो रहा है लोगों को, लेकिन काफ़ी काम भी चल रहा है रोड। पहले से थोड़ा सहूलत भी मिल जाएगी जब तक बनेगी, तो काफ़ी कुछ मतलब है, हो चल रहा है, प्रोग्रेस में हो है। मैं देख रहा हूँ कि काम तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये चार धाम योजना जो है बहुत अच्छी है, लेकिन चक्कर यह है कि थोड़ा टाइम वेदर के लिहाज से, रेनी सीजन के लिहाज से, और ये अप डाउन चलता रहता है कार्य। और ये जो सरकार, भारत सरकार इस योजना में जो इन्होंने पहल किया है, एक बहुत अच्छी बात है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत सुविधा होने जा रहा है, आने वाली पीढ़ी का इस रोड का पूरा आनंद अपना लेगी। देखिए कोई भी योजना सरकार की है, कोई भी अगर परियोजना होती है, योजना बनती है, तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। हाँ, ये रोड जब बननी थी ये पर थोड़ा तकलीफ तो होनी थी हमसे, लेकिन आने वाला भविष्य में शायद सुखद स्थिति प्राप्त होली। हम मुंबई बैठे ट्रैवल कर रहा, लेकिन पिछला एक साल बैठे काफ़ी तकलीफ मचा, क्योंकि पिछले दफे हमते 8 घंटा लगनी ऋषिकेश से श्रीनगर जाने में। अभी भी 2-3 बार ट्रैवल कर गया, इतनी तकलीफ होनी थी, लेकिन शायद जो 8 घंटों सफ़र 3 घंटों हो जाओ। लेकिन मैं लग दूँ कि अगर ये बन जाओ तो हम लोगों का अवस्था बहुत अच्छी स्थिति हो जाली। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य केवल पर्यटकों के लिए ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि कवि हृदय के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्हीं में से एक है महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी। आइए जानते हैं उनके जन्म स्थान कौसानी में स्थित उनको समर्पित संग्रहालय के बारे में इस रिपोर्ट में। ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से सम्मानित महाकवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ। कवि, विचारक और शिल्पी सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में श्री अरविंद के भारतीय आध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय मिलता है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में पर्वत श्रृंखला, बादल, इंद्रधनुष, सरिता, मानव और साम्यवाद की चित्रमयी भाषा बहती है। सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत ने आधुनिक कविता के लिए जो मार्ग प्रदर्शित किया, उसके कारण ही आज हिंदी कविता उपलब्धियों के सोपान पर बढ़ती हुई चरेवेती चरेवेती चरितार्थ कर रही है। Quen hare quen
भूलन छे के बुरुशी, भूलन छे के बुरुशी, जंगल जैसी जली जा रे कोना। सुमित्रा नंदन पंत का संग्रहालय जहां कविता प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज भी उनकी याद दिलाता है, वहीं एक स्थान ऐसा भी है जिसकी यादों से आज भी आंखें भर आती हैं। हम बात कर रहे हैं सतपुली नयार बाढ़ दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल जिले से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है छोटा सा पर्वतीय नगर सतपुली। नयार नदी के किनारे बसे सतपुली में 14 सितंबर 1951 के वर्षाकाल के समय एक रात नयार नदी में भयानक बाढ़ आई, जो अपने साथ नदी किनारे खड़ी GMOU लिमिटेड की बसें, उनमें सो रहे कई चालक परिचालक के साथ सतपुली बाजार की दुकानें सब बहाली गईं। इस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में सतपुली में बिजली घर के पास एक शहीद स्मारक का निर्माण किया, जिसमें मारे गए लोगों के नाम अंकित हैं। ये जो स्मारक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आज से कई दशक पहले सतपुली नयार घाटी में आई उस बाढ़ का प्रतीक है। ये बाढ़ 14 सितंबर 1951 को आई, जब ड्राइवर कंडक्टर नयार घाटी बगड़ में रात को अपनी गाड़ियों में सो रहे थे। अचानक भीषण बाढ़ आई और पानी इतना नदी का बढ़ा कि वो कहीं भाग नहीं पाए और 22 मोटरें और 32 लोग नयार नदी में समा गए। ये बहुत दुखद त्रासदी, जो कि उस समय गढ़वाल मोटर्स यूनियन जो कि GMO कंपनी है, वो पूरे गढ़वाल में यातायात का जिम्मा संभाले हुई थी। आज हम इसको याद करते हैं तो हमें उस दौर की याद आती है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी सेवा के लिए जल समाधि ले ली। कुछ यादों को भूल जाना आसान नहीं होता, वैसे ही कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है शहीद केसरी चंद का, जिनकी याद में हर साल चकराता के रामतल गार्डन में मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। वीर शहीद केसरी चंद के शहादत दिवस पर रामताल गार्डन में हर वर्ष 3 मई को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भव्य मेले का आयोजन होता है। यह मेला हमने 1985 से शुरू किया, बहुत छोटे स्तर पे था उस टाइम। हमारे शहीद केसरी चंद जी का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था उसमें कि क्या कहें, वो है हमारे शहीद हैं, किसी दुनिया को नहीं मालूम था, हमारे इलाके में बल्कि पूरे उत्तराखंड को नहीं मालूम था। और आज इसमें कम से कम 30-35 हज़ार लोग हमेशा यहाँ आते हैं। आज हम इस भव्य मेले को देख रहे हैं, ये सब हमारी मेहनत है, हमारे समिति की मेहनत है और हम इसमें 24 घंटे इसमें काम करने में लगे रहते हैं। सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद क्षेत्रवासी मेले का लुत्फ उठाते हैं। मेले में जौनसार बावर क्षेत्र के साथ साथ पछुआ दून, रवाई जौनपुर, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश आदि दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं।
मैं हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेले के बारे में सुना था तो इसलिए मेले में आ गई। बहुत अच्छा लगा मेले में, बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी है, बहुत सारे कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं और डांस वांस हो रहा है। मेले में गायक एक से बढ़कर एक गीत सुनाते हैं जिन्हें सुनकर दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। मेले में आइसक्रीम, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों और फास्ट फूड से सजी कई दुकानें व कई स्टॉल लगे होते हैं जिन पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। केसरी चंद जी को जिनके तरफ से इतना सारा जौन सार बावर जुड़ा हुआ है, जिनके वजह से सब लोग आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा है। सब लोग अपने जौन सार बावर यहाँ के मतलब त्यौहार त्यौहार और काफ़ी डांस वांस देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे कम से कम 50-60 हज़ार लोग आ रखे हैं इधर देखने के लिए। और यहाँ का सबसे बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रेसेस मुझे अच्छी लगी जौन सार की। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर सारी अच्छे लोग हैं और काफ़ी अच्छे जने हैं। केसरी चंद जो हमारे देश का बंदा था, हमारा बेटा था, भाई भाई ला कोस का इमाम बेटा ला, तीन अपना जीवन दान देना तो तेज के आस्ते या मेड़ा रखिए, तेज के नाव से तेज का मोरिकोनी कुनिया ना रखा, तेज का नाव वाला भी कि भाई आऊँ मोरिकवा तो मेरा नाव वाला भी आगे बात हुआ रही है। तेज के आस्ते हमें सब मिलिकोनी मेड़ा रखा जुड़ाई और तो मेड़े मुझा में सब लोग भाग लें और एक दूसरे अपने काम छोड़ दिखोनी मेरा कहवा में। यहाँ पहुंचकर तो सभी की जुबान पर बस यही पंक्तियां होती है कि इन हसीन वादियों की गोद से दूर जाने को जी नहीं करता, अब फिर से इस दुनिया में दिल लगाने को जी नहीं करता। शहीद केसरी चंद के मेले में जहां आज भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहीं विकासनगर में स्थित आसन बैराज की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तभी तो साल दर साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखिए अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। आसन बैराज 287 मीटर लंबा तथा समुद्र तल से 389 मीटर न्यूनतम तथा अधिकतम जल स्तर लगभग 402 मीटर ऊंचा है। आसन बैराज भारत के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। साथ ही यह बिजली उत्पादन के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है। बैराज में कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां भी दिखाई देती हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह जगह काफी सुंदर है। पक्षियों की विविधता को देखने के लिए लोग यहां आते हैं। आसन बैराज में लगभग
80 जल पक्षियों सहित 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये डाक पत्थर में आता है, ये खोदरी बैराज कहते हैं इसको, और बड़ा सुंदर क्षेत्र है। यहाँ बहुत अच्छा पार्क है यहाँ इस साइड में, और यहाँ लोग सुबह शाम बहुत अच्छी तरह से आते हैं, यहाँ घूम करके जाते हैं। और ये जो नदी है ये आधा उत्तराखंड में आता है और आधा हिमाचल में आता है। नहर से कुछ पानी जाता है ये पावर हाउसों के लिए, सारे पावर हाउसों के लिए ये हैंडलिंग होता है। तो दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के संक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि अब आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर सकते हैं hopddkddun@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। नमस्कार।